हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पारिस लर्निंग। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक कोऑपरेटिव प्रिंसिपल को, जिसमें हम मैक्सिम्स ऑफ कॉन्वर्सेशन को डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल के साथ। सो लेट्स प्रोसीड। सो ये जो कोऑपरेटिव प्रिंसिपल था, इसको इंट्रोड्यूस करवाया था पॉल ग्राइस ने, जो कि फिलोसोफर भी हैं, लिंग्विस्ट भी हैं, और वो फेमस थे अपनी दो थेरीज की वजह से, जो पहली है इम्प्लीकेचर और दूसरी है कोऑपरेटिव प्रिंसिपल। अगर हम इम्प्लीकेचर की बात करें, इसको हम सिंपली कह सकते हैं कि ये एक इनडायरेक्ट स्पीच एक्ट है, ठीक है। अब ये दोनों थेरीज जो थी, वो है हमारे पास फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं इन द फील्ड ऑफ प्रैग्मेटिक्स, और ये हम ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ प्रैग्मेटिक्स की फील्ड तक ही लिमिटेड है या उस प्रैग्मेटिक्स की फील्ड तक ही रिस्ट्रिक्ट है। डिस्कोर्स एनालिसिस के अंदर भी इसका एक बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल है। उसने जो था, पॉल ग्राइस ने है जो कोऑपरेटिव प्रिंसिपल को इंट्रोड्यूस करवाया था इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन, ये एक्सप्लेन करने के लिए कि किस तरह से लोग जो हैं वो इफेक्टिवली कम्युनिकेट करते हैं, अपनी जो कम्युनिकेशन जो गोल्स हैं उनको कैसे अचीव करते हैं, और अगर हमारे पास कॉन्वर्सेशंस के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग्स आती हैं उनको वो ओवरकम कैसे करते हैं, और किस तरह से जो मैसेज होता है एड्रेसी का या स्पीकर का, वो किस तरह से इन प्रॉपरली जो है उसको अंडरस्टैंड किया जाता है, उसको प्रॉपरली इन्फर कर लिया जाता है, ठीक है। उन्होंने क्या किसके लिए ये प्रिंसिपल डेवलप किया था, ये देखने के लिए कि लोग अपने कम्युनिकेटिव गोल्स को किस तरह से अचीव करते हैं, किस तरह से इफेक्टिव कम्युनिकेशन करते हैं, किस तरह से अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कॉन्वर्सेशन के अंदर उसको किस तरह से ओवरकम करते हैं, और ये कि एक मैसेज है वो प्रॉपरली इन्फर कैसे किया जाता है, ठीक है। सो ही हैज इंट्रोड्यूस्ड फोर मैक्सिम्स ऑफ कॉन्वर्सेशन, मैक्सिम्स ऑफ क्वांटिटी, मैक्सिम ऑफ क्वालिटी, मैक्सिम ऑफ रेलेवेंस या रिलेशन, एंड मैक्सिम ऑफ मैनर। अब इसको हम डिस्कस करें। जी सबसे पहले बात करते हैं मैक्सिम ऑफ क्वांटिटी की। जब हम क्वांटिटी की बात करें, इसका मतलब यह है कि हमने लिमिटेड रहना है, जितना पूछा गया है हमने उतना ही बोलना है। मेक योर कॉन्ट्रीब्यूशंस एज इन्फॉर्मेटिव एज इज रिक्वायर्ड, डू नॉट मेक योर कॉन्ट्रीब्यूशंस मोर इन्फॉर्मेटिव देन इज रिक्वायर्ड। मतलब जितना पूछा गया है आप उतनी इन्फॉर्मेशन देंगे, आपने पूछी गई इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल को देखते हैं, हु इज़ योर फेवरेट राइटर, आप सिंपली कहेंगे इट्स नमरा अहमद। अगर आपका कोई और है, जॉन ईलिया, आप उसको सिंपली कहेंगे। सो ये हमारे पास मैक्सिम ऑफ क्वांटिटी जो है वो पूरा हो जाता है, ठीक है। अब वॉयलेशन ऑफ मैक्सिम कैसे होगी, इस रूल की जो वॉयलेशन है वो कैसे होगी, अब आप मजीद एक्सप्लेनेशन देंगे। वेल यू नो डेट आई रीड अ लॉट ऑफ बुक्स अबाउट डिफरेंट जॉनर्स लाइक हिस्ट्री, रोमांटिक, मिस्ट्री, बट व्हेन इट कम्स टू माय फेवरेट राइटर इट्स नमरा अहमद। सो इतनी डिटेल आपसे नहीं पूछी गई, आप सिंपल पूछा गया है कि हु इज योर फेवरेट राइटर, आप सिंपली कहेंगे इट्स नमरा अहमद, इट्स जॉन ईलिया। लेकिन बिकॉज अगर आप ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास जो मैक्सिम ऑफ क्वान्टिटी है उसकी वॉयलेशन हो जाएगी, ठीक है। अब मैक्सिम ऑफ क्वालिटी की बात करते हैं। क्वालिटी की जब बात करें, इसका मतलब ये कि जो आपकी कॉन्वर्सेशन या जो आपकी कॉन्वर्सेशन है, जो आपकी स्पीच है, वो ट्रू होने चाहिए, ठीक है। आप उस चीज़ को ना कहें जो आपको लगता है कि वो फॉल्स हो सकती है, या जो आप चीज़ें कह रहे हैं उसमें लैक ऑफ एविडेंस है, ठीक है। ट्राई टू मेक योर कॉन्ट्रीब्यूशन वन डैट इज ट्रू, आप वही बोलें जो सच है, ठीक है। डू नॉट से वट यू बिलीव टू बी फॉल्स, आप उस यहाँ तो आप जो है वो माजरत कर लें, अगर आपको नहीं पता तो जिस चीज़ का आपको पता कि ये गलत हो सकता है तो वो ना कहें, ठीक है। डू नॉट से डैट फॉर विच यू लैक एविडेंस, वो चीज़ें ना कहें जिसमें आपको प्रॉपरली कन्फर्म नहीं है या लैक ऑफ एविडेंस है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कोई पूछता है डू यू नो वेयर द बिग बैन टावर इज, सो आप आगे से कहते हैं इट्स इन लंदन, ठीक है, आपको कन्फर्म है, आपने ठीक बोला। सो हमारे पास जो मैक्सिम ऑफ क्वालिटी है वो पूरा होता है, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक होता है। लेकिन वॉयलेशन कब होगी, जब आपने कहा इट्स इन दुबई, ठीक है, फिर ये गलत है क्योंकि आपने झूठ बोला, ठीक है। यहाँ पे ऐसे कहा, ये लिखा है कि डू नॉट से बट यू बिलीव टू बी फॉल्स, ये गलत है, यहाँ पे वो चीज़ें ना कहें जिसमें लैक ऑफ एविडेंस है, ठीक है। सो ये आपका यहाँ पर वॉयलेशन हो जाएगी क्योंकि ये गलत है। यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो पॉइंट डिस्कस करना चाहिए, वो है फ्लाउटिंग का और वॉयलेशन का। जब हम वॉयलेशन की बात करते हैं, इसका मतलब ये है कि स्पीकर जो है वो झूठ बोल रहा है या अनकोऑपरेटिव है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने पूछा कि बिग बैन टावर कहाँ है, सो झूठ ये बोला गया कि ये दुबई के अंदर है, ठीक है। सो ये हमारे पास एक डायरेक्ट वॉयलेशन है। फ्लोटिंग क्या होता है कि जब स्पीकर जो है ना वो इंटेंशनली इस मैगजीम को जो है वो डिसोबे करता है, इसका मतलब ये है कि जो लिसनर है उसको पता लग जाता है कि अच्छा स्पीकर ने झूठ बोला है,
ठीक है। सो यहाँ फॉर एग्जाम्पल, या फिर ये इस तरह से होता है कि आप एक इम्प्लीकेचर क्रिएट करते हो, या फिर फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया है और आप उसका उलट जवाब दे रहे हो, लेकिन स्पीकर को पता लग गया कि आपने जानबूझ के झूठ बोला है, ठीक है। सो ये आयरनी या फिर सरकास्टिक वे में जब आप कुछ बोलते हो, ये हमारे पास होती है फ्लॉटिंग। मैं आपको एक एग्जाम्पल जो है वो इसकी देती हूँ, फिर आपको समझ आएगी प्रॉपरली कि वॉयलेशन में फ्लॉटिंग में क्या डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल रिपोर्टर है, रिपोर्टर पूछते हैं, रिपोर्टर जब वो ओल्ड एक डिवा उससे पूछ रहा है कि वर यू सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे लास्ट वीक, क्या आप अपनी जो बर्थडे वो लास्ट वीक सेलिब्रेट कर रही थी। तो आगे से वो कहती है, वो जो बूढ़ी जो डिवा है वो कहती है, जी यस आई जस्ट टर्न 39। वो अभी कह रही है कि मैं तो अभी बस 39 की हुई, मतलब ये झूठ बोल रही है। आगे से रिपोर्टर जब एक सरकास्टिक वे के अंदर कहते हैं, एंड आई एम टर्निंग 150 नेक्स्ट मंडे। अब ये है तो झूठ, ठीक है, ये है तो उसने झूठ बोला कि वो नेक्स्ट मंडे 150 साल का हो जाएगा, झूठ तो उसने बोला है, लेकिन सरकास्टिक वे है। अब ये जो ओल्ड है, ये जो हीरोइन है डीवा, उसको समझ आ जाएगी कि इसने झूठ बोला। ये सरकास्टिक वे के अंदर जब हम इस तरह से कुछ बोलते हैं, वो हमारे पास होता है फ्लॉटिंग, ठीक है। सरकास्टिक वे के अंदर या आयरनी के अंदर कि जो लिसनर है उसको पता लग जाए कि उसने झूठ बोला है, ठीक है, इसको हम कहते हैं फ्लॉटिंग। अब हम मैक्सिमम ऑफ रेलेवेंस की बात करते हैं, इसके रिलेशन भी कहते हैं, इसको रेलेवेंस भी कहते हैं। अगर आप इसको देखें तो रेलेवेंस से ही पता लग रहा है कि क्या इस रूल का जो है ना रिक्वायरमेंट क्या है। इसमें यह है कि रेलेवेंट रहें, जो पूछा गया उसका जवाब दें, इनकोहेरेंस को अवॉइड करें। कोहेरेंस तो होती है ना हमारे पास कि यूनिटी ऑफ आइडियाज, तो जब इनकोहेरेंस क्या होगी कि जो आपसे पूछा गया आप उसका जवाब नहीं दे रहे, आपका जो आंसर है वो लॉजिकल नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वेट्रेस पूछती है, हाउ डू यू लाइक योर स्टेक कुक्ड, आप अपनी जो स्टेक है उसको कितना कुक रखना पसंद करेंगे। अगर से जो मैन है वो कहता है मीडियम रेयर प्लीज, सो इट इज कम्प्लीटली अप्रोप्रिएट, ये प्रॉपरली रेलेवेंट है। मतलब उससे पूछेगा कि कितनी आपको स्टेक जो है वो कुक पसंद है, दूसरे बंदे ने आगे से कहा है, मैन ने आगे से कहा है कि मुझे मीडियम रेयर पसंद है, ठीक है, उसने बता दे कि इतना एक जो है मुझे मीडियम रेयर जो है ना वो स्टेक पसंद है, उसने बिल्कुल रेलेवेंट जवाब दिया। वॉयलेशन ऑफ मैक्सिम तब होगी अगर वो कहता है कि आई लाइक द स्टेक वेरी मच, मुझे स्टेक बहुत पसंद है, मतलब उसने पूछा है कि आपको कितनी कुक पसंद है, आगे से वो कह रहा है कि मुझे बड़ी बड़ी पसंद है, या फिर वो कह देता है कि वाह व्हाट अ लवली वेदर, कितना अच्छा मौसम है। सो बिल्कुल एक इररेलेवेंट जवाब देना हो जब होगा तो उसको हम कहेंगे कि वॉयलेशन ऑफ मैक्सिम होगी हमारे पास, जो रेलेवेंस का जो मैक्सिम है उसकी वॉयलेशन हुई है, ठीक है। अब जी हम बात करते हैं मैक्सिम ऑफ मैनर की। सो इसके अंदर जो है वो चार चीजें आती हैं, एक तो जो एक्सप्रेशंस की जो या लैंग्वेज की ऑब्सिक्योरिटी है या एम्बिग्विटी है, आपने उसको जो है अवॉइड करना है। आपकी कॉन्वर्सेशन के अंदर जो आप चीज़ें क्लियर नहीं है, एम्बिगुअस है, उसको अवॉइड करना है। आपने ब्रीफ रहना है, बी ऑर्डरली रहना है। अब ये होता है कि इस मैनर की वजह से जो कॉन्वर्सेशन जो होती हैं वो बोरिंग हो जाती हैं, ठीक है, लेकिन इसके इसमें जो है ना हमने इन चारों चीज़ों को जो है अपने माइंड में रखना होता है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं कि एक पर्सन जो है वो फोन पे वो दूसरे से पूछ रहा है कि हाउ कैन आई मीट यू क्विकली, और दूसरा वो उसको कहता है कि रन एंड गेट अ बस, भागो जाके जल्दी जल्दी से एक बस पकड़ो, ठीक है। ये हमारे पास इसमें ऑर्डरली भी है, एम्बिग्विटी भी नहीं है, प्रॉपर एक एक्सप्रेशन यूज किया गया है, ब्रीफ भी है, ठीक है। सो इसका मतलब है कि ये कम्प्लीटली एक गुड मैक्सिम ऑफ मैनर है, ठीक है, इसमें प्रॉपर जो है ना मैक्सिम ऑफ मैनर को फॉलो किया गया है, ठीक है। अब वॉयलेशन कैसी होगी, वॉयलेशन वो उसको कहता है कि गेट अ बस एंड रन, मतलब बस पकड़ो, गेट अ बस एंड रन। अब यहाँ पर ये गलत हो गया, इसमें ऑर्डरली भी नहीं है, एम्बिग्विटी भी है, एक्सप्रेशन की जो है वो भी गलत इसमें यूज हुआ है कि बस पकड़ो और भागो, हालांकि उसने कहना था भागो और बस पकड़ो, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास एम्बिग्विटी भी है और हमारे पास ऑर्डर भी गलत है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, सारा पूछती है डिड यू इन्जॉय द पार्टी लास्ट नाइट, कि तुमने जो लास्ट नाइट पार्टी थी वो तुमने इन्जॉय की। आगे से एना उसको कहती है दे वॉज प्लेंटी ऑफ ओरिएंटल फूड ऑन द टेबल, लॉट्स ऑफ फ्लावर्स ऑल ओवर द प्लेस एंड पीपल हैंगिंग अराउंड चैटिंग विद ईच अदर। अब यहाँ पर जो है ना एम्बिग्विटी है, एक तो इसमें जो है ना वो ब्रीफ भी नहीं है और एम्बिग्विटी भी है। एम्बिग्विटी कैसी है इसमें, अब इसकी जो आंसर है इसकी, इसने एक तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछा है, एक तो उसने इतना ज्यादा जवाब दे दिया, तो यहाँ पर हमारे पास एक तो मैक्सिम ऑफ जो क्वान्टिटी है उसकी वॉयलेशन हुई है। अब दूसरे इसमें यह है कि इसमें एम्बिग्विटी भी है। एम्बिग्विटी कैसे है, इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, इसकी दो इंटरप्रिटेशन बन सकती हैं कि एक तो मतलब उसने इतनी पार्टी इंजॉय की है कि वो फ़ौरन से चीज़ें भूले कि वहाँ पर ओरिएंटल फूड भी था, वहाँ पर बहुत से फ्लावर्स भी थे, लोग आपस में चैटिंग कर रहे थे, ठीक है। सो यहाँ तो ये हो सकता है कि उसको पार्टी इतनी पसंद आ गया कि उसे पता नहीं लग रहा कि पहले कौन सी चीज़ बोले,
ठीक है। सो एक तो ये इसकी इंटरप्रिटेशन हो सकती है, दूसरी इसकी इंटरप्रिटेशन तो ये भी हो सकती है कि उसे कुछ पसंद ही नहीं आया, उसको वो बड़ा ही कोई खराब लगा कि वो कह रहे कि ओरिएंटली फूड ही था, हर जगह टेबल के ऊपर फूल ही फूल थे और लोग जमा बातें कर रहे हैं, मतलब उसने इतना इंजॉय नहीं किया, उसे ये बड़ी चीज़ें बिजी लग रही थी, उसने इतना इंजॉय नहीं किया। सो इसमें यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वॉयलेशन ऑफ मैगजीम मैनर की जो है वॉयलेशन है, क्योंकि ऑर्डरली भी नहीं है, ब्रीफ भी नहीं है, ठीक है, एम्बिग्विटी भी है, ठीक है, एक्सप्रेशन भी सही यूज नहीं हुआ। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वॉयलेशन ऑफ मैक्सिमम ऑफ मैनर हुई है, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट, थैंक यू सो मच।